18 दिन पहले कोलकाता से निकला गंगा विलास लग्जरी क्रूज आज वाराणसी पहुंच चुका है। मौसम खराब होने की वजह से ये 3 दिन देरी से काशी पहुंचा है। क्रूज में फ्यूल भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद क्रूज रामनगर बंदरगाह से संत रविदास घाट पर पहुंचेगा। यहाँ पर उसके भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। इस दौरान वह 3200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा का लंबा सफर तय करेगा। ये क्रूज भारत एवं बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इस लंबे सफर में MV गंगा विलास क्रूज पटना साहिबगंज कोलकाता ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। सोमवार को क्रूज चंदौली के धानापुर से दोपहर में निकला था और वाराणसी की सीमा में प्रवेश कर गया था। वहीं शाम को वाराणसी के राजघाट से करीब 8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। वहीं रविवार को गाजीपुर में ही सभी 30 स्विस यात्रियों को क्रूज से उतार कर बनारस ले जाया गया है। यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया।